दोस्तों, अगर लर्निंग एंड अर्निंग के कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ना चाहते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एक्सपेक्टेड एक देखिएगा, बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है और आपको पता है कि अपडेट फायदा करने वाली है। चूंकि आपको पता है कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो आप 100 रुपये अगर कमाते हो तो 100 रुपये में आप पहले देखिएगा एक्सपेंसेस निकालते हो, फिर आपको पता है एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो भी पार्ट बचता है उसके बाद देखिएगा उस पर टैक्स लगता है। टैक्स के बाद देखिएगा जो पार्ट बचता है वो आपकी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के रूप में चीज़ें जानी जाती हैं। लेकिन जितना ज़्यादा टैक्स होता है उतनी ज़्यादा सेविंग्स कम होती हैं, जितना टैक्स कम होता है उतनी सेविंग्स बढ़ती हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। तो सेम सिनेरियो होता है कॉर्पोरेट्स में। अगर देखिएगा आपके टैक्सेस कम हो रहे हैं तो इट मीन्स आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और टैक्सेस देखिएगा बढ़ रहे हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी। साथ ही साथ क्या होता है कि टैक्स का कम होना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, गुड न्यूज़ होता है। अगर आप सबसे ज़्यादा वेट देने वाले स्टॉक हो निफ्टी 50 के, तो आज बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है जस्ट 1 घंटे पहले, और पूरे एक सेक्टर के लिए जो आपका थर्ड हाईएस्ट वेटेड सेक्टर है निफ्टी का। तो अगर आप निफ्टी 50 पे जाते हो और अगर आप वहाँ पे देखते हो तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि 3 सेक्टर हैं टॉप 3। पहला क्या है देखिएगा, निफ्टी बैंक, जो देखिएगा सबसे ज़्यादा 37% सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद देखिएगा आईटी सेक्टर है जो 12% सपोर्ट करता है लगभग। और उसके बाद देखिएगा ONGC यानी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर है। तो आप देख सकते हैं तो ये सेक्टर भी काफ़ी अच्छा 9% के आसपास का सपोर्ट करता है निफ्टी को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है कि गवर्नमेंट ने आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर 1 मंथ क्या किया है, विंडफॉल टैक्स को क्या कर दिया है, यहाँ पे कम कर दिया है डोमेस्टिक क्रूड के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि पिछले देखिएगा जब एक महीने का क्या सिनेरियो था कि ये जीरो था, जीरो के बाद ये बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर एग्रेसिवली बढ़ा, और फिर अब ये देखिएगा डाउन हुआ है। तो ये जब से देखिएगा बढ़ा है, कॉन्टीन्यूसली बढ़ा है, तब अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लगातार ऑयल एंड गैस सेक्टर या फिर लगातार रिलायंस इंडस्ट्री में डाउन ट्रेंड देखने को मिला आपको। तो ये पूरे के पूरे रिलायंस इंडस्ट्री के लिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। लेकिन कॉशियस भी रहना है क्योंकि हाइक्स लेवी ऑन डीजल, तो आपको पता है कि यहाँ पे ATF एक्सपोर्ट और देखिएगा डीजल पे उनके एक्सपोर्ट पर काफ़ी बड़ा देखिएगा यहाँ पे सेटबैक भी दिया है गवर्नमेंट ने। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे कट स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन क्रूड पेट्रोलियम ₹2,6700 पर टन विद इफेक्ट फ्रॉम September 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आज से ये इफेक्टिव हो चुका है और आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर न्यूज़ का आउटकम कब, मंडे को। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बेसिकली था कितना, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो 14 अगस्त को जो अपडेट आई थी, 15 दिन में देखिएगा इसका रिव्यू होता है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस कर दिया गया था 7100 पर टन, बहुत तेज़ी से जंप आया था। तो वहाँ से कोई बड़ा रिलैक्सेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि ये डाउन हुआ है तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। डाउन ना हुआ होता तो ये निगेटिव होती, तो ये डाउन हुआ है इसलिए पॉजिटिव अपडेट है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके अलावा मैंने आपसे कहा है कॉशियस भी रहिएगा क्योंकि SAED और ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ डीजल विल इंक्रीज टू ₹6 पर लीटर फ्रॉम 5.5 लीटर। डीजल के लिए कोई भी राहत नहीं हुई है, इवन इंक्रीमेंट हुआ है। द ड्यूटी ऑन द जेट फ्यूल विल बी डबल्ड। देखिएगा यहाँ पे पूरे एविएशन सेक्टर के लिए तो बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पे इसको जस्ट डबल कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन। यानी कि कल मंडे को एविएशन के स्टॉक प्रेशर में रहेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड देखिएगा डीजल के लिए बड़ी राहत नहीं हुई, तो ये न्यूज़ इम्पैक्ट करेगी बट इतना ज़्यादा नहीं जितना करना चाहिए था। लेकिन हाँ, पॉजिटिव अपडेट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और पेट्रोल विल कंटिन्यू एट निल, इंडिया फर्स्ट इम्पोज विंडफॉल टैक्स प्रॉफिट टैक्स ऑन July 1, 2022। और आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो पर्टिकुलर ओवर सोल्ड कैटेगरी में है, अगर आप देखोगे ओवर सोल्ड कैटेगरी में है, उसके लिए बड़ी अपडेट है। और ये आपको पता होना चाहिए कि इसका वेटेज
निफ्टी 50 में कितना ज़्यादा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में कितना है, ये देखिए लगातार ये गिर रहा है 2560 के लेवल से, लगातार 2411 के लेवल पे देखने को मिला, 2400 का भी लो बनाया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी गिरावट है, लेकिन आपको फ़ायदा कहाँ पर मिलने वाला है ये देखिएगा। तो आप देख सकते हैं 11% के आसपास का वेटेज ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए पॉजिटिव अपडेट है, तो इस सेक्टर से आएगा। और ये देखिएगा सेकंड हाईएस्ट वेटेज स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री 9.5% के आसपास, यहाँ पे सपोर्ट आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये निफ्टी के लिए बशर्ते बहुत अच्छी अपडेट है जिस पे आपको फोकस करना है मंडे को। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।